हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल में इस तरह से बारिश होकर ओला या आइस, वो क्या बोलता है, बर्फ आसमान से बारिश आते समय ये बहुत ज़्यादा गिर गया है। सब जगह में ये देखने को मिल रहा है कितने ज़्यादा ये बर्फ़ गिरा हुआ है, बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। देख सकते हो ये गिरने के वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया है। देख सकते हो कितना ज़्यादा ज़्यादा हम लोगों ने बाल्टी में उठाया है। देख सकते हो इतना ज़्यादा पूरा बहुत जगह में ये गिर गया हुआ है। देख सकते हो कितना ज़्यादा सारे जगह ये पूरा गिर गया है। देख रहे हो ये है बारिश के साथ साथ, ये है बारिश कम ही आया, ये बहुत ज़्यादा गिर गया है। देख सो वो अभी हमें आप लोग को दिखाने के लिए जा रहा हूँ, दिखाऊंगा कितना ज़्यादा गिरा हुआ है। चले देखते हैं फिर रात के समय इतना ज़्यादा गिरा हुआ है पश्चिम बंगाल में 2023 मार्च 23 तारीख में ये गिरा हुआ है। देख सकते हो इधर में भी बहुत चाक में ऐसा बहुत सारा ओला गिरा हुआ है, ये बर्फ़ बड़ा बड़ा बर्फ़ गिरा हुआ है, बहुत सारा सब कुछ नुकसान करके रखा हुआ है। देख सकते हो यहाँ पर ये लोग ये उठा रहा है, देख सकते हो बाल्टी में इतना है, और देख सकते हो बांस के इसमें, देख सकते ये कितना ज़्यादा है यहाँ पर, देख सकते कितना सारा बर्फ़ रखा हुआ, बहुत सारा बर्फ़ गिरा हुआ है। देख सकते कितना बड़ा बड़ा है, देख रहे हो ना। अभी चलो और भी देखते हैं किधर क्या हुआ है। मैं इधर बहुत लोग यहाँ पर खड़ा हुआ है, देख सकते हो इधर में भी लोग देख रहा है कि किसका क्या क्या नुकसान। यहाँ पर वो गिरने से वजह से ये सांप, बहुत बड़ा सांप यहाँ पर बारिश से, ठंडा से और ये बर्फ़ से ओ उसको लग गया है। ये मरा नहीं है, मन बहुत गंभीर हालात में है अभी ये सब। देख सकते कितना ज़्यादा ये भी ठंड के वजह से ऐसा हुआ है, और देख सकते यहाँ पर भी कितना ज़्यादा ये बर्फ़ है। और चलो फिर इधर भी देखते हैं, और इधर देख सकते हो मकई खेत, ये सुबह में आप लोगों को दिखा रहा हूँ मकई खेत में सारे सत्यानाश कर दिया ये मकई खेत को। देख रहे अभी इस हम लोग को किसान का क्या होगा, अभी देख रहे सारे सब का इस तरह मकई खेत ख़त्म हो गया है। केला बगान के पत्ते देख सकते हो ये किस तरह से सब यहाँ पर भी बर्बाद हुआ है, केला का पत्ता चिर गया है। यहाँ देख सकते हो कितना सारा, कितना बड़ा बड़ा ये बर्फ़ है इस तरह में, बाल्टी में एक बाल्टी रखा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा, देख के पा रहे हो आप लोग कितना ज़्यादा है, कितना बड़ा बड़ा ऐसा बड़ा बड़ा ओला गिरा हुआ है बर्फ़। यहाँ पर भी देख सकते हो कितना क्या हो सकता है अभी इस मकई का, अभी तो बर्बाद हो गया, इतना पैसा लगा कर पूंजी लगा के सब ख़त्म हो गया। यहाँ पर भी देख सकते ये थोड़ा बड़ा है, फिर भी ये इसका होगा या नहीं होगा गारंटी नहीं है इसका, अभी क्या हो सकता है देखेंगे। छोटा छोटा तो अभी कुछ नहीं हो सकता, छोटा वाला तो वो तो सब छूट गया, कितना भी खेत में फसल था सब कुछ बर्बाद हो गया। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी मैं बर्फ़ के ऊपर में खड़ा हूँ, देख सकते ये देख कितना सारा ज़मीन में बिछा हुआ है, फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। देख सकते कितना सारा मैं इसके ऊपर में खड़ा हुआ हूँ। पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल में 23 मार्च को इतना ज़्यादा रात में 8 बजे के तरह 7:30 ऐसा 7:30 बजे की तरह ही ये गिरा हुआ है। बड़ी हवा आ रहा था, बहुत ज़्यादा हवा आ रहा था तभी बात में ये गिर गया। देख सकते हो
अभी किसान सब कुछ बर्बाद हो गया, ज़्यादातर किसान का ही बर्बाद हुआ है, बहुत सारा कुछ बर्बाद हो गया है। देख सकते ये उल्ला गिरने के वजह से पशु पंछी भी मरा हुआ है, उसका बहुत तेज आने के वजह और ठंडा और इससे लगा लगने के वजह से बहुत सारा पशु पक्षी का वन में नुकसान हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारा जगह इस तरह से ही गिर गया है ऐसा। तो इधर भी देखते हैं, चलो फिर कैसा है इधर, सारी जगह इसी तरह है, सारी जगह देखने को मिलेगा आप लोगों को, बर्फ़ ही बर्फ उल्ला देख सकते हो, और ऐसा बहुत गिर गया है बहुत। और पानी भी बहुत ठंडा है अभी को, मैं रात को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख सकते हो कितना सारा गिरा हुआ है, इतना तेज हवा, ठंडा पानी, बर्फ ये के उधर गाय सब ठंडा में रह रहा है गाय। इधर हम लोग का बकरी को भी बहुत तेज उसको भी लगा हुआ है उल्ला के, वैसे गाय सब बहुत उस जोर से लगा है।